बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन पेपर हैकर में। मैं सूरज रहा और आज के वीडियो देखने लाए बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए। ये फिजिक्स का थर्ड पेपर है जो 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, जो आपका 11 जुलाई को पेपर हो रहा है। 11/7/2022 को जो पेपर हो रहा है उसमें आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से 70% आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, एक पेपर अभी एक हाल ही में पेपर हुआ था बीएससी थर्ड ईयर वालों का, फिजिक्स का ही सेकेंड पेपर हुआ था, जिसमें छात्रों ने कहा कि सर कुछ भी क्वेश्चन नहीं फंसे। कुछ छात्रों ने मुझे कॉमेंट किया था, तो उन छात्रों से कहना चाहूंगा कि आपको यह भी पता होगा कि एक हर साल एक पेपर ऐसा बनता है जो सिलेबस के बहुत अंदर से पूछता है। जी हां, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस क्वेश्चनों को करने की वो देखता है, समझ रहे हैं एग्जामर। तो वो जो छात्र उसको बना बना के क्वेश्चनों को कर आता है तो वो विजय हो जाता है, और जो नहीं बना के कर पाता, कुछ नहीं करता है, वो क्या है, वो फेल हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि एग्जामर आप थर्ड ईयर में है तो आपके साथ ये खेल एक बार जरूर खेलता है। ये मैं आपसे बता चुका हूं, अब से नहीं मतलब ये हर साल खेलता है। या तो आपको फर्स्ट पेपर में खेल देगा, या सेकेंड पेपर में, या फिर थर्ड पेपर में, लेकिन एक पेपर आपका इतना हार्ड बनाएगा जो आप खुद हिल आओगे और कहोगे कि अरे यार ये तो ना तो कैश पेपर में था ना क्वेश्चन बैंक में, कहां से आया ये आखिर ये क्वेश्चन। तो वो चीज होती है। तो आज का जो पेपर जाएगा आपका, मतलब कि जो 11 जुलाई का जो पेपर जाने वाला है, वो बहुत अच्छा जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। और एक पेपर मैं आपसे बोलता हूं कि एक पेपर हर ईयर, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, एक पेपर जरूर आपका हार्ड आता है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस पर थोड़ा अमल किया करो, कोई दिक्कत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि दो पेपर में, मान लीजिए 50-50 नंबर का पेपर होता है, दो पेपर में आपने कितने कर दिए, 25-25 नंबर के कर दिए, तो 50 नंबर हो गए, पास हो गए, बात खत्म यार। 25 नंबर ऐसा, 25, 26, 28, 29, ऐसे जो नंबर आते हैं बच्चों के, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज होती है, तो आपको देखना है 26-46 क्वेश्चन। देखो 46 नंबर का भी आप कर दोगे ना तो भी पास हो जाओगे, ठीक है। ग्रेस लग के एक नंबर का पास हो जाते हो, 47 के हो 3 नंबर का ग्रेस लग जाता है। तो ये चीजें होती है, आपको ग्रेस लग के पास 47 नंबर आपके हो जाते हैं तो पास हो जाते हो, 46 से पास नहीं होते, 47 नंबर पास होते हैं, 3 नंबर ग्रेस लग जाता है, टोटल 50 नंबर होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज तरीके होते हैं कुछ, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, बस थोड़ा संघर्ष कर लो। और जो छात्र बना बना के कराते हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन यदि अच्छे तरीके से बना देते हैं, तो ऐसा नहीं एग्जामर आपकी कॉपी देखेगा तो बिल्कुल गलत है, थोड़ा बना बना लिखकर काट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी जानता है, हर स्टूडेंट, हर टीचर जानता है कि यार हाँ ये पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बनाया है, और उन्होंने भी नहीं पढ़ाया होता है छात्रों को कि यार ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो वो चीजें होती हैं, ध्यान से देखना। तो वो चीज आप थोड़ा कॉमन सेंस रखना है अपने आप पर, ठीक है, भरोसा रखना है सबसे बड़ी चीज है। तो भरोसा आपका बहुत जरूरी है। तो आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं आपके आस पड़ोस के, या सभी हैं जो क्लास में आपके बैठते हैं, कॉलेज में बैठते हैं, तो उन्हें सभी को बताइए पेपर हैकर डिजिटल से ही पढ़ाई करें। आपसे वादा करता हूं कि आप फेल नहीं होंगे, कि यदि कोई ऐसी बात बनती है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा हमेशा, हर परिस्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका साथ रहूंगा, समझ रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ हमेशा आपके साथ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करने वाला है कौन कौन से क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है थर्ड पेपर में। थर्ड पेपर में आपको पढ़ के जाना है जेनेडायोड, जेनेडायोड का अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। जेनेडायोड होता क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है, एलईडी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलईडी बहुत बार पूछी जा चुकी है और हर साल ये क्वेश्चन बनता है कि भैया एलईडी क्या है, एलईडी का उपकरण यूज कहाँ किया जाता है, वो चीज़ आपको देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए ये तो आप सब जानते होंगे कि जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक, देखो अर्धचालक के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है नद अर्धचालक, एक होता है वह अर्धचालक। दो, जिसे वह अर्धचालक को हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं और नद अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक बोला जाता है। इन दोनों को पढ़ लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक पूछता है आपसे कि जो संधि डायोड होता है, जक्शन डायोड होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। टलमर डायोड क्या होता है, टलमर डायोड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको देखेंगे। और उसके बाद में आप नीचे जाएंगे और आपसे एक पूछता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता क्या है, जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एच पारा और पाई पारा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता है हर साल, आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है, 3 दिन है, बड़े आराम से रट दोगे। ये है आपका मॉस्फेट क्या होता है, जेफ्ट की टाइप और कार्यविधि क्या होती है, दोनों को पढ़ के जाएंगे। और नीचे जाइए, मैं आपको बता दूंगा, एक आता है ट्रांजिस्टर द्वारा, आपको एम्पलीफायर कह सकते हैं, ठीक है, एम्पलीफिकेशन कह सकते हैं भाई, ट्रांजिस्टर, इसको देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नीचे जाइए, ये है आपका, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, जिसे हम SCR बोलते हैं, सिलिकॉन निरंतर दृष्टि धारा, ठीक है, इसको आप याद करके जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए शॉटकी डायोड क्या होते हैं, आप इस क्वेश्चन को, एम्पलीफायर क्या होते हैं, एम्पलीफायर के प्रकार को देखना है, जैसे कि शक्ति एम्पलीफायर हो गया,
ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर हो गया, इनको प्रकार देखने आए आपको बहुत ज़्यादा, बहुत शॉर्ट में आपको याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड चौड़ाई क्या होती है, बॉन्ड चौड़ाई को आप याद करके जाएंगे, धातु और चालक संधि को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आता है आपका, आता है बहुचरण और प्रबंधक क्या होता है, सोपानी प्रबंधक जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसको एम्पलीफायर को याद करके जाना, ये बहुत ज़्यादा। फीडबैक, ये देखो पुनर्निविष्ट कह सकते हैं फीडबैक को, उसका सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को याद करेंगे, बस यहाँ से यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना। एक नेतांक आता है, नेतांक किसे कहते हैं, नेतांक को हम दूसरी भाषा में आपसे बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर का प्राचल किसे कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लवदी क्वेश्चन को देखने वाला, लवदी क्या होता है, ठीक है, लवदी शॉर्ट में बनेगा बेटा, ये शॉर्ट और लॉन्ग की चिंता मत करना। जो छात्र कहते हैं सर लॉन्ग में है शॉर्ट में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके बुक नोट्स गैस पेपर में यदि कोई क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है संधि डायोड जैसे लॉन्ग में दे रखा है, तो लॉन्ग में पढ़ लो, शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो बता रहा हूं, यदि वो क्वेश्चन लॉन्ग में है तो लॉन्ग में पढ़ लो, और शॉर्ट तो बन ही जाता है यार, आप खुद समझदार हैं इस चीज़ के लिए, आप खुद इंटेलिजेंट है कि कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में यदि हम याद कर लेते हैं तो शॉर्ट बनाते हुए उसको टाइम नहीं लगता, समझ रहे हैं ना, या फिर हम शॉर्ट पढ़ेंगे तो लॉन्ग बनाते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हमें। इस चीज को हमें थोड़ा कॉमन सेंस रखना है अपने आप पर, ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है, और लॉन्ग शॉर्ट पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एमसीक्यू जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका नाम है paperhacker.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर टच करिए और वहां से अपने नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चनों को, नोट्सों को डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।